पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मजुला क्षेत्र में हुई महिला के साथ लूट का खुलासा मुरादाबाद पुलिस ने आज कर दिया। पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को मैं लूटे हुए माल के साथ पकड़कर जेल भेज दिया। पुलिस को आरोपी के पास से 7000 रुपए, मोबाइल, पर्स और लूट में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। अभी भी एक आरोपी की तलाश की जा रही है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने पुलिस लाइंस में प्रेस वार्ता करते हुए महिला के साथ हुई पर्स लूट की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 12 नवंबर को मजुला थाना क्षेत्र के खुशालपुर अलकनंदा कॉलोनी में रहने वाली महिला के साथ पर्स लूट की घटना को बाइक सवार दो बदमाशों ने अंजाम दिया था। इस मामले में मजुला थाना पुलिस टीम ने महिला के साथ पर्स लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर पर्स लूट की घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपी के पास से 7000 की नकदी, एक मोबाइल और लूटा गया पर्स, लूट की घटना में प्रयोग की गई बाइक भी बरामद की है। घटना हुई थी थाना मजुला क्षेत्र में। एक महिला से दो बाइक सवार इन्होंने एक पर्स छीना था, जिसमें इस महिला के कुछ पैसे थे, एक मोबाइल था और कुछ जरूरी कागजात थे। उसके संबंध में हमारी थाना मजुला की टीम और सीओ सिविल लाइन के साथ इन लोगों ने इनके सम्मिलित प्रयास से आज वो केस वर्कआउट हुआ है। एक अभियुक्त उनमें से पकड़ा गया है और एक फरार है। जो पकड़ा गया है व्यक्ति, उसका नाम राजकुमार है। ये ग्राम पांडली थाना पाकवाड़ा वहाँ का रहने वाला है, जो फिलहाल ये दीवान एंड सन्स फार्म गैराज मनोहरपुर पुलिया के पास ये रह रहा है। इसके कब्जे से हम लोगों ने एक मोटरसाइकिल, जिससे उन्होंने लूट की थी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है ये काले रंग की, वो बरामद हुई है। जो मोबाइल छीना गया था वो बरामद हुआ है। जो 20000 रुपये उस महिला के पर्स में थे, उसमें से 7000 रुपये बरामद हुए हैं, वो पर्स भी बरामद हुआ है और जो अन्य कागजात थे, ये सारी बरामदगी हुई है। तो एक अच्छी सफलता थाना मजुला पुलिस को मिली है, इसके लिए मेरी तरफ से इनको बधाई। पकड़े गए युवक का आपराधिक इतिहास क्या है? ये पूर्व में भी एक बार 2020 में जेल गया है और ये थाना मझोला से ही लूट के मुकदमे में इससे पहले भी जेल जा चुका है और पुनः इस वारदात में इसका नाम आया है और इससे बरामदगी हुई है। सर, क्या अन्य जिलों में भी ये ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? अभी हम लोग गहराई से पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल इस घटना का अनावरण हुआ है। इसका एक साथी जो भागा हुआ है, इसका कहना है कि सेस कुछ बरामद की उसके पास है। ये व्यक्ति बाइक को चला रहा था, बाइक इसकी थी, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था छिनैती उसने की थी। तो उसको भी हम लोग अभी तस्दीक कर रहे हैं। अभी उसका जो इसने बताया था एड्रेस, वो अभी तस्दीक नहीं हुआ है, तो उसको पता करके हम लोग और गहराई से। 24 घंटे में दो बड़ी घटनाएं मझोला पुलिस ने खोली हैं सर, तो इसमें कोई रिवार्ड वगैरह कैसे पुलिस टीम को सर मैं जाने की घोषणा की? इनको कुछ रिवार्ड भी एसएसपी महोदय की तरफ से दिया जाएगा, उनसे अनुरोध किया जाएगा। निश्चित रूप से 5000 का इनाम इनको दिलवाया जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।